हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इक्विटेक हिंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन में ऑल एरर को कैसे फिक्स करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ये बताऊंगा, जब मैं शेयरिट से कुछ भी लेता हूं तो मेरे पास फेल्ड एरर आता है, तो उसका प्रॉब्लम फिक्स करते हैं। और व्हाट्सएप पर कुछ इमेज वे डाउनलोड नहीं हो रहे थे, इमेज वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहे थे और मेरी गैलरी में वीडियो शो नहीं हो रहे थे, तो इसका प्रॉब्लम मैं आपको फिक्स करके बताऊंगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है मेरी फाइल ट्रांसफ़र हिस्ट्री। अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, आपको फ़ोन अपना ऑफ़ करना होगा, जैसे कि मैं अपना फ़ोन ऑफ़ कर रहा हूँ। ओके, फ़ोन ऑफ़ कर दिया मैंने। अब आपको आपका सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकाल के आपके फ़ोन को रिसेट मारना होगा। अब आप देख सकते हैं मैंने अपना सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको फ़ोन ऑन करके हार्ड रिसेट मार के बताऊंगा। ये देखिए फ्रेंड, फ़ोन ऑन हो रहा है, थोड़ी देर वेट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड, फ़ोन ऑन हो गया है। अब मैं आपको हार्ड रिसेट मार के बताऊंगा। ओके, लॉक स्क्रीन ऑन कर देते हैं। अब सीधा सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं। आपको सीधे सेटिंग्स में जाना होगा। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करें। ये देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड रिसेट, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसेट मारना होगा। फर्स्ट लाइसेंस रिसेट मारते हैं, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ओके पर क्लिक किया। अब फैक्ट्री डाटा रिसेट पर क्लिक करके ऑल डाटा इरेज कर दीजिए। आपके फ़ोन में जो भी डाटा है वो पूरा इरेज हो जाएगा। इससे पहले आप अपना डाटा बैकअप ले लीजिए। मैंने अपना डाटा बैकअप ले लिया है, उसके बाद मैंने हार्ड रिसेट मारा है फ़ोन को। इरेज एवरीथिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फ़ोन अब हार्ड रिसेट हो रहा है मेरा। थोड़ी देर वेट कीजिए फ्रेंड, फ़ोन हार्ड रिसेट हो रहा है। देखिए फ्रेंड, हार्ड रिसेट हो गया है। अब मैं इसको आपको सेटअप करके बताऊंगा पूरा। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक किया। अब ये सिम कार्ड इंसर्ट करने को बोल रहा है, मैं इसको ऑप्शन स्किप कर देता हूं। ओके, सिम कार्ड ऑप्शन स्किप कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, अब ये वाईफाई सर्च हो रहा है, मैंने फिल वक्त वाईफाई के पासवर्ड को भी स्किप कर देता हूँ, वाईफाई नेटवर्क को भी स्किप एनीवे। ओके, फिर ओके पर क्लिक किया। ओके, डेट एंड टाइम सेट कर ले सकते हैं आप। ओके, ये देखिए फ्रेंड, मेरा फ़ोन अब पूरी तरीके से रेडी हो गया है। अब मेरी गैलरी में कुछ नहीं बचा, ऑल डाटा इरेज हो गया है। अब
देख सकते हैं आपका फ़ोन भी अगर ऐसा प्रॉब्लम दे तो आप हार्ड रिसेट मार के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप एसडी कार्ड निकाल के कंप्यूटर से आपके एसडी कार्ड को एक बार फॉर्मेट मार के आपका फ़ोन यूज़ कर दीजिए, सही होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।